नमस्कार, इन 12 कारणों से पुरुषों का प्राइवेट पार्ट सिकुड़ सकता है। मैं इसके बारे में आज बात करने वाला हूं ताकि आप अप्रोप्रिएट केयर ले सकेंगे और अपने आप को खुशहाल रख सकेंगे, फिट रख सकेंगे सेक्सुअल एरिया में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। लिंग का सिकुड़ना ये बहुत आम प्रॉब्लम है और बहुत लोग इसके बारे में पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ऐसा है कि उनके दिमाग में वही चलता रहता है कि मेरा लिंग सिकुड़ गया है, मेरा लिंग छोटा है। हालांकि भारतीयों का औसत साइज जो है लंबाई वो है 4 इंच, और 1.5 इंच से यदि कम है तो प्रॉब्लम है। मगर लोग पेशाब करने के समय अपने दोस्तों का देख लेते, उसको लगता है कि भाई वो मेरा दोस्त है, उसका बहुत लंबा है, और फिर उसको लगता है अपना छोटा है, और उससे वो पजेस्ट हो जाता है विचार से। या पॉन देखते हैं और फिर उससे दिमाग में निगेटिविटी चालू हो जाती है, और फिर वो कारण हो जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, इरेक्शन नहीं आना, लैंगिक कठोरता नहीं आना, और एक के पीछे एक अनेक कारण शुरू हो जाते हैं। हम आज देखेंगे 12 ऐसे कौन से कारण हैं कि जिसके वजह से लिंग का सिकुड़ना होता है, और वो यदि हम जान लेते हैं तो डेफिनेटली अपने आप को उससे बचा सकते हैं। नंबर एक, बहुत ही कॉमन जो है वो है धूम्रपान करना। धूम्रपान और तंबाकू चुबाना, चू करना, टोबैको च्यूइंग, ये बहुत बड़ा कारण होता है, और ये कारण से एथरोस्क्लेरोसिस बहुत ज़्यादा होता है। हमारी जो खून की नलियाँ हैं उसके अंदर का अस्तर जो है वो मोटा हो जाता है, लिंग में खून जो है वो खून कम बहना शुरू होता है और लिंग सिकुड़ जाता है। नंबर दो, मोटापा, अतिरिक्त वजन। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनके पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन होने के बाद में वो लिंग एक्चुअली छोटा दिखता है, हो सकता है कि छोटा नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा फैट रहने से उसमें वो दब जाता है, और फिर उसमें एक ही तरीका है कि भाई अपना वजन कम करो, पेट का फैट कम करो। नंबर तीन, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से लिंग का सिकुड़ना हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर लिंग में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, और उससे और जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं उससे भी बुरा असर होता है, और उससे लिंग का सिकुड़ना हो सकता है। सो हाइपरटेंशन, हाई बीपी भी कारण है। नंबर चार, मधुमेह, डायबिटीज, शक्कर। यदि आपको डायबिटीज है तो डेफिनेटली डायबिटीज का बुरा असर लिंग के ऊपर होता है। डायबिटीज से एथरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शुगर ज़्यादा है, नर्व डैमेज होता है डायबिटीज से, और उससे लिंग का सिकुड़ना होना संभव है। नंबर पाँच, पौष्टिक आहार ना होना, या फल, फ्रूट्स और सलाद अपने खाने में नहीं होना। यदि अपना आहार पौष्टिक नहीं है तो डेफिनेटली जो विटामिन्स चाहिए वो विटामिन्स हमारे बॉडी को नहीं मिलेंगे, और उससे फिर असंतुलन प्रवाह होता है ब्लड का, और लिंग का सिकुड़ना संभव है। नंबर छः, शराब का सेवन। जब शराब का सेवन आप अति करते हो तो उससे भी नुकसान होता है। शराब का ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल इंक्रीज द डिज़ायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। सातवा, अपने आप की जांच कर ले, हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है। आप सीमेन की टेस्ट कर सकते हैं, सीमेन एनालिसिस, कि भाई उसमें कोई खराबी है क्या, उसमें स्पर्म काउंट कम हुआ है क्या, क्या प्रॉब्लम है, तो वो एक बार टेस्ट करना, जांच कर लेना, कंसल्टेंट को मिलना जरूरी है। हमने नीचे नंबर दिए, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। नंबर आठ, यदि आपका प्रोस्टेट, पुरस्थ ग्रंथि बड़ी हुई है, इनलार्जमेंट है, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट से लिंग का सिकुड़ना पॉसिबल है। नंबर नौ, पायरोनिस डिसीज, मतलब लिंग में फाइबरस का प्लैक तैयार हो जाना, जिससे लिंग ऐसा टेढ़ा हो सकता है और आपको दिखता है कि वो लिंग सिकुड़ गया है, तो उसका छोटा सा ऑपरेशन है वो आप कर सकते हैं। नंबर दस, आलसीपना, उसमें व्यायाम ना करना। व्यायाम आप नहीं करते हैं तो आप अनफिट है, फिजिकली अनफिट है, आपके जोड़ों में दर्द है, मोटापा है, आपको दम लग जाता है, सांस फूल जाती है, और फिर उसमें सेक्स के ऊपर उसका असर होता है, और इनडायरेक्टली वो लिंग का सिकुड़ना चालू हो जाता है। 11, मसूड़ों की बीमारी, गम। क्या होता है कि यदि पुअर ओरल हाइजीन है और मसूड़ों को यदि सूजन आई हुई है तो उसका असर हमारे ब्लड फ्लो में इन्फेक्शन से होता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, और उसका असर पेनिस के ऊपर होता है, पेनिस में सूजन आ सकती है और लिंग सिकुड़ सकता है। नंबर 12, जंक फूड खाना, बेकरी आइटम्स खाना, पिज़्ज़ा,
बर्गर, केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड, ये सब बेकरी आइटम जो मैदा वाले, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो फिर अभी क्या करें? शुरू में आप उपचार के बारे में बताता हूँ। ये समझो आपका लिंग सिकुड़ गया ऐसा आपको लगता है तो डेफिनेटली आपने चिंता करना चाहिए। एक तो है कि ये नॉर्मल है क्या, मोटापा है क्या, इसलिए हुआ है क्या, और नहीं तो फिर जो मैंने बताया, धूम्रपान बंद करो, तंबाकू बंद करो, शराब बंद करो, पौष्टिक आहार चालू करो, फल फ्रूट खाना चालू करो, जंक फूड बंद करो, व्यायाम चालू करो, सब चालू करना है। और उसके साथ साथ यदि आप लो डोसेज और टाडाला फिल लेते हैं 2.5 मिलीग्राम बीडी, तो उससे क्या होता है, उससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और लिंग में इरेक्शन रहता है दिन भर। तो ऐसा एक साइकोलॉजिकल उसका फायदा होता है कि नहीं नहीं अभी ठीक है भाई, डेफिनेटली ठीक है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हम जब पेशाब करते हैं तो पेशाब अपने पैंट पे ही गिर जाती है या पायजामे पे गिर जाती है या अपने कपड़ों पे गिर जाती है क्योंकि लिंग सिकुड़ गया है, तो वो भी टाडाला फिल का डोज 2.5 मिलीग्राम दो टाइम लेते हैं तो उससे फ़ायदा होगा। वैसे हमने आयुर्वेदिक तेल का रिकमेंडेशन किया हुआ है, वो तेल आप लगाते हो, मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, तो डेफिनेटली लिंग को मालिश करना डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग पॉजिटिव है इसके बारे में, बहुत लोग डिप्रेशन में है, कुछ लोग आत्महत्या करने जाते हैं, तो इसका इलाज होना बहुत ही आवश्यक है। बीमारी है तो इलाज करो, बीमारी नहीं है तो काउंसिलिंग करो। वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।